हेलो फ्रेंड्स, रतन होम किचन गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे किचन गार्डन के पपीता के फ्रूट्स दिखाऊंगा। और मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि मेरे किचन गार्डन के पपीता के फ्रूट्स देख करके आप स्वयं भी अपने किचन गार्डन में पपीता के प्लांट्स लगाएं और फ्रूट्स का आनंद लें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इतने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं इस प्लांट में, और ये दूसरी बार मैंने ये फसल ली है जिसमें अभी अलग अलग साइज़ के इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। कुछ नीचे पके हुए हैं और ऊपर की साइड में अभी जो फ्लावर्स हैं वो अभी आ रहे हैं, फ्रूट सेट हो रहे हैं। तो आप देखिए, इतने सारे इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। आप स्वयं भी अपने किचन गार्डन में पपीता का पेड़ ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और पपीता बहुत ही आसानी से उगने वाला एक प्लांट है, बिल्कुल आसानी से ये आप घर में लगा सकते हैं इसे। आप देखिए, ये जो पकी हुई पपीता है इतनी बिल्कुल शार्प कलर्ड, तीखा कलर है इसका, और दिखने में काफ़ी सुंदर है। हालांकि इसका जो वेट है वो ज़्यादा नहीं है क्योंकि फ्रूट्स की संख्या ज़्यादा है। हमने इसकी थिनिंग नहीं करी थी इसलिए इनकी जो वेट है, इनका साइज है थोड़ा कम रह गया। बाकी फिर भी लगभग 400 500 600 ग्राम के आसपास इनका वेट है सबका। और आप देखिए कि किस तरीके से इसको हार्वेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं इसकी। इसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि इसमें लेटेक्स जो है, दूध निकलता है इसमें वाइट कलर का, तो थोड़ा सा उससे बच के रहिए और सेफ्टी से आप इनको रिमूव करिए, यहाँ से हटाइए फलों को। फ्रेंड्स, आजकल बंदर काफ़ी आ जाते हैं तो थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे फल पक जाए आप उसे तोड़ लें, अन्यथा कोई भरोसा नहीं है बंदरों का, कभी भी आ सकते हैं। तो हमने इसीलिए थोड़ा जल्दी किया है इनको तोड़ने के लिए। और इनका कलर देखिए, ये सारे जो पके हुए फ्रूट्स हमने तोड़े हैं, इनका वेट लगभग 4 किलो है, 3 किलो 800, ये देखिए 80 ग्राम के आसपास इनका वेट है। तो आप देखिए और क्वालिटी देखिए आप, इसमें सिर्फ एक बीज है इसके अंदर, मात्र सिंगल सीड इसमें है पपीता में, और सेकंड टाइम हमने ये फसल ली है। तो आप अपने किचन गार्डन में ज़रूर से ज़रूर पपीता आप लगाएं। इसके बीज आप सीड शॉप से ले सकते हैं या ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।